वेलकम टू द चैनल एंड लेट्स डू अ फाइनल रिविजन ऑफ आर क्लास 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है जी तो बहुत सारे बच्चे इस समय पे इस वीडियो को देख रहे होंगे अपने एग्जाम से कुछ घंटे पहले तो बहुत अच्छी बात है मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ और ये क्वेश्चन को देखते ही पूरा पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा आंसर फॉर्मेशन का तरीका आ जाएगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में दिख रहे होंगे तो बिना किसी टेंशन के इन सब क्वेश्चन को ध्यान से नज़र जो है एक तरफ देखो और ये आपको जो है आते होंगे तो मिलेगा अरे वाह ये तो मुझे आता है एंड योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट अप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंग्लिश एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पे आता है वॉट वर फ्रांस फीलिंग एज ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड वाई तो फ्रांस की फीलिंग क्या थी फ्रांस फियर्ड एसोल्डिंग एट स्कूल एज ई हैड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल उसे डर लग रहा था बिसाइड दॉम द साइट ऑफ द मार्चिंग प्रूशन सोल्जर्स ऑल्सो टेम्पटेड हिम टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल तो उसे डर लग रहा था पूरी बात आपको बता देनी है वट न्यूज हेड बिन डिस्प्लेड ऑन द बुलेटिन बोर्ड तो आप इसको ना रीड करो मैं हिंदी में बता रही हूं तुम रीड करो ठीक है तो क्या न्यूज लगी थी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर तो जो है लास्ट टू ईय से तो सिंस लास्ट टू ईयर्स बुलेटिन बोर्ड जो था टाउन हॉल का वहां से हमेशा बैड न्यूज आती थी हारी हुई जंगों का कोई भी ड्राफ्ट आना होता था कमांडिंग ऑफिसर के थ्रू हर कोई जो बुरी खबर होती थी दो साल से आखिरी बुलेटिन बोर्ड के नोटिस बोर्ड से आ रही थी वट वॉज मोर अटेम्पटिंग टू फ्रांस रैदर देन गोइंग टू स्कूल तो भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप, अगर आप लोगों को ये रिविजन हेल्पफुल लग रहा है तो तो फ्रांस को ज्यादा क्या लग रहा था स्कूल जाने से तो अच्छा वेदर वार्म ब्राइट सनशाइन छोटी छोटी चिड़िया चहचहाती हुई और जो प्रिशियन सोल्जर्स थे वो उसे ज्यादा अच्छे लग रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड वॉचर द ब्लैक स्मिथ टेल फ्रांस नॉट टू हरी टू स्कूल तो वॉचर कहता है बेटा तुम्हें बहुत जल्दी नहीं है जाने की क्योंकि वो रीड कर चुका था उस न्यूज को जो वहां पर लगी हुई थी बाय जर्मन इसलिए उसने बोला कि फ्रांस बेटा तुम्हें जल्दी नहीं आ जाने की ही नो कि उसके पास बहुत टाइम में स्कूल तक पहुंचने के लिए वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज टू सी एम हेमल ऑन दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग वेन वेंट एन लेट तो फ्रांस सरप्राइज क्यों हो गया था सर को देख के तो क्योंकि उस दिन सर ने डिफरेंट कपड़े पहन रखे थे ब्यूटीफुल ग्रीन क्रोट अपनी फ्रिल्ड वाली शर्ट और एम्ब्रॉयडरी ब्लैक सिल्कैप इसलिए लिए वो हैरान हो जाता है और वो कपड़े वो सिर्फ इंस्पेक्शन ऑफ प्राइज डेज पे पहनते थे वॉट वॉज सो अनयूजअल अबाउट द स्कूल ऑन दैट डे तो यूजअली स्कूल में हमेशा ग्रेट बसल होती है क्या होता है ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ डेस्क हो रखा होता है बच्चे लेसन रिपीट कर रहे होते हैं टीचर का रूलर पड़ रहा होता है डेस्क के ऊपर बट उस दिन सब कुछ शांत था बिल्कुल संडे की मॉर्निंग की तरह और सनडे भी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रखे थे और बैक बेंचेस पे विलेजर्स बैठे हुए थे तो ये तीन चार चीज़ें बहुत डिफरेंट थी उस दिन स्कूल में वट डिड फ्रांस लव टू डू इन स्टेड ऑफ लर्निंग हिज लेसन तो फ्रांस को पढ़ाई करने के सिवा बहुत कुछ अच्छा लगता था जैसे उसे झूले झूलना पसंद था सार रिवर के पास में और बर्ड्स के एग कलेक्ट करना उसे पसंद था वाई वर द विलेजर्स सीटेड ऑन द बैक बेंचेस टू विलेजर्स क्यों आए थे तो ऑल द विलेजर्स सीटेड ऑन द बैक बेंचेस एज अ ट्रिब्यूट टू द टीचर हुयर्स ऑफ सिंसियर सर्विस और वो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका था कि उन्हें भी बहुत दुख होता था कि वह अब अपनी मदर टंग को कभी सीख नहीं पाएंगे देवर एक्सप्रेसिंग देअर पेट्रोटिज्म एंड सोलिडेरिटी फॉर फ्रांस तो यह लिखना देट वो अपना पेट्रोटिज्म भी शो कर रहे थे वाई डिट एम हेमिल ब्रेम फ्रांस अ लोन फ़ॉर हिज इनएबिलिटी टू लर्न उन्होंने क्यों उन्हें ब्लेम नहीं करा खाली फ़्रांस को तो एम हैमल डिड नॉट ब्लेम फ्रांस अ लोन फॉर हिज इन एबिलिटी टू लर्न कि तुमने पार्टिसिपेंट लर्न नहीं करे खाली बेटा तुम्हारी गलती नहीं इन स्टेड उन्होंने कहा मेरी भी गलती है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है जो तुम्हारी पढ़ाई को ज़्यादा फोकस नहीं करते थे ठीक है जी अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉट डिड एम हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज तो वो कहते हैं मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की बहुत क्लियर है लॉजिकल लैंग्वेज है और ये भी कहते हैं कि हमें इसे हमेशा गलत

लर्न करने की फ्रेंच को वो खो दी थी फ्रांस ही हैड अटेंडेड मोर ऑफन एंड रिग्रेटेड नॉट अटेंटिव टू हिस क्लासेस उसे बुरा लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेटिंग चिल्ड्रन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को तो यस yes, ये जो है नो no डाउट जो है एजुकेटिंग चिल्ड्रन सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए और बच्चों को गाइड करना चाहिए वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तो इसका आंसर आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो ठीक है जी तो विद दिस अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो आ गया हमारा साहिब के वॉट ड साहिब डू फॉर अ लिविंग तो साहिब एक रैक पिकर है और उसकी फैमिली बहुत पॉवर्टी में रहती है और वो रैक पिकिंग करता है वो पढ़ना तो चाहता है बट पढ़ नहीं पाता है ठीक है साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर ऐसा क्यों कहा था राइटर ने क्योंकि जो है साहिब ने एक जॉब एक्सेप्ट कर ली थी वो जो थी वो चाय की दुकान पे अब काम करने लग गया था जब वो रैक पिकर था वो कूड़े का जो बैग था वो फिर भी उसका अपना था वो उसका ओनर था बट अब जो स्टील का कनस्तर उसके पास था वो उस चाय की दुकान वाले का था तो अब उसको फैमिली की इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए वो एक चाइल्ड लेबर बन चुका था और उसने अपना बचपना गँवा दिया था जो जो है चमक उसके फेस पे थी वो जा चुकी थी वाई did पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू ढाका टू डेली तो वो ढाका से दिल्ली क्यों आए थे आ, आपको ये बताना है तो हमें पता है डेड गाइज वहाँ पर बांग्लादेश वॉर के समय से आए थे और ढाका में उनकी फीड्स जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी वॉट ट्रेड डज द फैमिली ऑफ मुकेश फॉलो तो आपको पता है वो लोग बैंगल मेकिंग करते थे ठीक है वॉट डज गार्बेज सिमलाइज फॉर द एडल्ट एंड चिल्ड्रेन तो चिल्ड्रॉफर्निंग लाइवलीहुड है और चिल्ड्रन के लिए रैपड इन वंडर है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द पेरीफरी ऑफ डेली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली इस क्वेश्चन को बताओ आप तो ये जो सीमापुरी जो जगह है वो बहुत दूर है डेली से अगर हम बात करें डेवलपमेंट के हिसाब से वैसे तो डेली के बिल्कुल किनारे पर है बट वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है सीवेज नहीं है ड्रेनेज पाइप नहीं है और इस वजह से इसे एक ऐसा कहा गया है थ्रू द ईयर्स रैक पिकिंग हैज़ रिक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट इन सीमापुरी जस्टिफाइड द स्टेटमेंट क्यों हमारी ऑथर ने जो है रैक पिकिंग को फाइन आर्ट का एक कला बोला है उन्होंने, तो वो उन्होंने कहा है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, सीमा के, वो को कमाई करने का जरिया है ठीक है तो वो उसको बेच के अपनी डेली ब्रेड यहाँ डेली ब्रेड का मतलब मतलब कमाई होता है अपनी कमाई करते हैं वो उसी गार्बेज को बेच के तो उनके लिए वो जो है गार्बेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है चलो आगे पढ़ते डज रैक पिक मीन्स द सेम थिंग फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन तो नहीं बिल्कुल अलग थी वॉर वॉज साहिब नॉट हैप्पी गेटिंग अ जॉब तो साहिब का फ्रीडम छिन चुका था उससे इसलिए वो जो है अब हैप्पी फेस तो उसका नहीं लगता था ठीक है जी अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन आ गया हमारा विलियम डगलस जी वाले चैप्टर से व्हाट इज द दिस एडवेंचर विलियम डगलस स्पीक अबाउट तो वन डे विलियम डगलस बैठे हुए थे अलोन ऑन द साइड ऑफ द वाई पूल और वो वेट कर रहे थे बाकी लोगों का कि वो आएंगे तब वो स्विमिंग करेंगे बट एक आता है एक बुली और उनको उठा के कहता है हाई स्किनी वुड यू लाइक टू बी डग्ड उसे उठाते हैं और वो उसको पूल में फेंक देता है ठीक है हाउ डिड द ड्राउनिंग एक्सपीरियंस इफेक्टेड डगलस कैसे डूबना उनको इफेक्ट करता है तो भाई विलियम डगलस feared water and whenever he went back to the pool terror seized him he avoided water as far as he could when he tried to enter water the stark terror seized him his legs became paralyzed and icy terror would grab his heart Theakye. डर लग जाता था उन्हें हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर तो डगलस अपना फियर ओवरकम कैसे करते थे डगलस एक ऐसे आदमी थे जो बहुत करेडियस थे बहुत डिटरमाइंड थे अपने पानी के डर को ओवरकम करने के लिए तो वो जो है बहुत तरीके अपनाते हैं डर को ओवरकम करने के लिए पहले वो एक इंस्ट्रक्टर रखते हैं स्विमिंग सीखते हैं उसके बाद जब उन्हें कॉन्फिडेंट तब भी नहीं लग रहा होता तो वार्म लेक पे जाते हैं वो और बहुत सारी अलग अलग लेक्स पे जाते हैं फाइनली वार्म लेक पे जाके अपने डर के ऊपर जीत हासिल वो कर लेते हैं वॉट डज द मदर ऑफ डगलस से

थे उसके बाद जो है वो डगलस को जो है इनहेल एक्सहेल के एक्सरसाइजेस कराते हैं और बहुत समय लगा के वो डगलस को जो है बढ़िया स्विमर बना देते हैं ठीक है तो पीस बाय पीस वो डगलस को स्विमर बना देते हैं अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम पढ़ेंगे रैप ट्रैप के ओके okay, अब इसी के बीच में माय मदर 66 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देख लेते हैं व्हाट डज द काइंड ऑफ पेन एंड एक द पोर्ट फील्स तो पोएट को क्या दर्द रियलाइज होता है कि भाई जब वो अपनी माता का चेहरा देखती है तो उन्हें डर लगता है कि कहीं वो उन्हें खो ना दे ठीक है व्हाट डज द पोएट डू टू श्रग ऑफ द पेनफुल थॉट ऑफ अ मदर्स अप्रोचिंग एंड तो उस थॉट को जो है हटाने के लिए उन्होंने क्या करा था गाड़ी में से उन्होंने बाहर देखा था ठीक है वाई डज द पोएट ड्रॉ द इमेज ऑफ स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मेरी चिल्ड्रन क्यों करी थी क्योंकि स्प्रिंटिंग ट्रीज ऑफ मेरी चिल्ड्रन जो है सजेस्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखो वॉर्म एनर्जी वाइटिलिटी यूथफुल स्पिरिट शो करते हैं वहीं पे उनकी मदर क्या शो कर रही थी पेल डल विदाउट फेस जो है जो उनकी डिक्लाइनिंग हेल्थ को डिपेक्ट कर रही थी वाई हैव द ट्रीज बीन डिस्क्राइब्ड एस स्प्रिंटिंग क्यों उन्होंने ट्रीज को स्प्रिंटिंग यानी कि दौड़ता हुआ दिखाया है तो भाई ट्रीज को स्प्रिंटिंग इसलिए दिखाया गया है क्योंकि सबसे पहली बात तो वो गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी चलाते हुए इसलिए मूवमेंट दिख रही थी उनको ट्रीज की इसलिए जो है उन्होंने उनको ऐसा दिखाया है ठीक है जी तो द पोएट वॉज ड्राइविंग इन अ कार अलॉन्ग विद हर मदर हर मूवमेंट क्रिएटेड अ विजनरी इल्यूजन ऑफ द ट्रीज आउटसाइड साइड अपीयर टू तो बी स्प्रिंटिंग ठीक है और वो यंग ट्रीज लिखती हैं वो भी कंट्रास्ट दिखाता है वाई हैज द मदर बीन कम्पेयर टू लेट विंटर्स मून तो जैसे लेट विंटर मून में लस्टर यानी कि चमक नहीं होती है उनकी मदर के फेस के पे भी अब वो चमक नहीं रही थी जो जवानी में हुआ करती थी तो इसलिए वो कंपेयर करती है वॉट इज़ अ फेमिलियर एक तो फियर ऑफ लूजिंग हर मदर उनका फेमिलियर एक था उन्हें बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो अपनी माता को खो ना दे ऐसे ही बचपन में भी उन्हें फील होता था वट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाइज तो पोएट के पार्टिंग वर्ड थे जा पार्टिंग मतलब जाते जाते जो वो बोलती हैं तो वो कहती हैं सी यू सून अम्मा और हंसती हैं स्माइल को वेयर करती हैं तो वो ये दिखाता है कि वो अपने इमोशन छुपाने के लिए हंसना शुरू करती हैं एंड वो रियश्योर करती है अपनी माँ को कि वो जल्द मिलेंगी ठीक है जी आप अगले चैप्टर के पोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं ओके okay गाइस अब रैट ट्रैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं द नेम ऑफ द राइटर ऑफ द रैट ट्रैप इज सेलम अगर लॉफ है व्हाट डिड द पेडलर डू टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर तो पेडलर जो है रैट ट्रैप्स बनाता था छोटे छोटे चूहे के पिंजरे ये उसका बिजनेस था बट वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं था तो वो छोटी मोटी चोरियाँ भी करता था फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बिंग अ रैट ट्रैप तो पेडलर एक बहुत ही गरीब आदमी था जो जो है पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ किया करता था कभी चोरी कभी भीख मांगता था तो भाई और कभी कभी चूहे के पिंजरे बिजता था तो एक दिन उसको आइडिया आता है कि भाई पूरे की पूरा दुनिया एक राटराप है और ये जो हमें अलग अलग चीज़ें दिखती हैं अमीरी जॉयस फूड शेल्टर क्लोदिंग ये बेट है यानी कि एक लालच है टू ट्रैप पीपल व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी ए ट्रैप सिंपथी लव अफेक्शन ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट कैन प्योरीफाई अ मैन सोल एंड ट्रांसफॉर्म हिम इनटू अ गुड ह्यूमन बींग कि भाई अगर आप किसी से अच्छा बिहेवियर करोगे तो वो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर तो क्रॉफ्टर जो था बहुत ही लोनली फेलो था इसलिए उसको जो है जब पेडलर की कंपनी मिलती है तो वो उसे खाना भी खिलाता है उसके साथ गेम भी खेलता है और उसको टबैको भी देता है हाउ वॉज द पेडलर तो क्रॉफ्टर बहुत अच्छे से पेडलर को रिसीव करता है और उसको जो है खाना भी खिलाता है ये सब मैंने आपको बता दिया आप रिवाइज कर लो और उसे इवन अपने थर्टी करोनर भी दिखाता है जो उसको पेमेंट में मिले थे वाई डिड द पेडलर एक्सेप्ट द इन्विटेशन एक्सटेंडेड बाई एडला हैविंग ऑलरेडी डिक्लाइन द वन फ्रॉम हर फादर तो पेडलर जो है डिक्लाइन करता था आयरन मास्टर के जो है इनविटेशन को बट एंडला के इनविटेशन को ही उसने एक्सेप्ट इसलिए करा था क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली कंपैशनेटली और उसे कहती है कि आपको हम जेल में नहीं जाने देंगे आप प्लीज़ अच्छे हमारे घर चलिए जो उसकी वॉइस में सिंसियरिटी थी तो उसके बेसिस पे वो सोचता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है वो कन्विंस कर लेती है पेडलर को हाउ वॉज द पेडलर रिसिव एट रैम्स जो आयरन मिल तो रैम्स जो आयरन मिल पर तो जो है वहाँ का जो वो था जो वहाँ का मेन आयरन में जो वहाँ पर काम करता था वो तो उस पर ध्यान नहीं देता है बट जो आयरन मास्टर थे वो उसको अपना जो है अपना वो मान लेते हैं अपना कोई दोस्त मान लेते हैं ठीक है वाई डिट द पेडलर फाइनली चेंज वे पेडलर बदल क्यों जाता है तो पेडलर अपना बदल इसलिए जाता है क्योंकि वो जो एडलर ने उसको इतना अच्छा तरीके से ट्रीट करा तो वो सोचता है कि मैं भी अब एक कैप्टन की तरह ही रिप्लाई करूंगा वाई डेट आयरन मास्टर इन्वाइट पेडलर टू हिस्स होम तो आयरन मास्टर को लगता है दैट जो ओनर है आयरन मास्टर एंड जो आयरन मिल के उन्हें ऐसा लगता है कि पेडलर जो है उनका कोई दोस्त है जिसका नाम है नील सोलभ और इसलिए वो उसको इन्वाइट करते हैं अपने घर पर वो हाउ डज द स्टोरी ऑफ द रैटरैप शो द रिडेम पावर ऑफ लव एंड कम्पैशन तो yes, जो रैट रैप स्टोरी है ये हमें प्यार लव कम्पैशन सिंपथी का जो है दिखाती है क्या इफेक्ट हो सकता है एक इंसान के ऊपर जैसे कि जब एडला ने उन्हें पेडलर को ट्रू कैप्टन की तरह ट्रीट करा तो उसने भी ट्रू कैप्टन की तरह रिप्लाई करा द आयरन मास्टर द पेडलर ऑफ नॉट बी क्वाइट ऑनेस्ट वट डज पेडलर से टू जस्टिफाई दिस सिचुएशन

नोट उसने रख दिए थे और के साथ में उसने एक छोटा सा लेटर रखा था जिसमें उसने उसको कहा था थैंक यू तुमने मुझे चूहे के पिंजरे में फंसने से बचाना वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एट कैप्टन वॉन्स्टेल तो जिस तरीके से एडला ने उसे रिस्पेक्ट करी तो वो भी वैसे ही रिप्लाई करता है वॉट कंक्लूजन डिड द आयरन मास्टर रियच वेन ही हर्ड दट द क्रॉफ्टर हैड बीन ड्रॉप बाय पेडलर तो जैसे ही उन्हें चर्च में पता चलता है कि कोई क्रॉफ आयरन आयरन मास्टर को कि क्रॉफ्टर क्या पेडलर ने चोरी कर की है तो वो सोचते हैं कि मेरे घर से भी उसने सारे चांदी की चमचे वगैरह सब चुरा ली होगी और भाग गया होगा नेक्स्ट विद दिस ये कंप्लीट होता है अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन क्वेश्चन तो व्हाट वाज़ द कंडीशन ऑफ द बिफोर गांधी जी अराइवल इन चंपारण तो पेसेंट्स को 15% परसेंट ऑफ द लैंड पे इंडिगो उगाना पड़ता था और उसको रेंट के रूप में देते थे बट जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो होगी तो उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट फी कराने के लिए जो है पैसा लूटा ब्रिटिशर्स ने अब वो अपना वो पैसा वापस चाहते थे ठीक है जी आगे बढ़ते हैं चलो वॉट स्टेप डिथ गांधी जी टुक टू रिमूव कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस तो, तो वहाँ वो छः प्राइमरी स्कूल खुलवाते हैं छः विलेजेस के अंदर प्राइमरी स्कूल खुलाते हैं सॉरी टीचर्स बुलवाते हैं अपनी वाइफ कसूरबा गांधी को सिखा कहते हैं कि लोगों को क्लेंलीनेस दिखाओ एंड डॉक्टर्स भी अरेंज करते हैं जो वहां पर रहते हैं और तीन टाइप की मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं हाउ डिद गांधी जी बिगेन हिज मिशन इन चंपारण तो सबसे पहले गांधी जी कलेक्ट करते हैं सारे फैक्ट्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन जाते हैं वहाँ कोई इन्फॉमेशन नहीं मिलती है फिर ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन जाते हैं वहाँ पे भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो वो फाइनली मोती हरी जाते हैं कैपिटल ऑफ चंपारण में हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट टू कमिश्नर एडवाइज एंड वेडेड ही गो तो गांधी जी जो है ऑफिशियल नोटिस जब आता है तो वो रिफ्यूज करते हैं चंपारण से बाहर जाने का वो कहते नहीं मैं तो चंपारण में ही रहूंगा और मैं चंपारण छोड़ के नहीं जाऊंगा और फिर उनको जो है कोर्ट बुलाया जाता अगले दिन तो वो राजेंद्र प्रसाद जी को जो है टेलीग्राम करते है, और बड़े बड़े अपने दोस्तों को जिससे अगर उन्हें जेल हो जाए तो बाकी का मांजरा वो संभाले वॉट डज गांधी मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज तो बाकी का सारा केस वो लोग संभाले ओके गांधी मैन दैट ही डिडेंट इंटेंड टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज का उनका मतलब ये था कि वो कहते हैं कि मेरा ये मन नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं खुद लॉ ब्रेक करता हूं बट नहीं मेरा एक और ऊपर एक लॉ होती है वो होती है कॉन्साइंस यानी कि अपनी अंतर्मन तो मेरी अंतरात्मा नहीं मान रही कि मैं इन पेजन को ऐसे छोड़ के चला जाऊं वाई डिड गांधी जी से द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन तो गांधी जी इसलिए कहते हैं क्योंकि गांधी जी जब जेल जाने वाले थे उन्हें ऐसा लगता है कि क्या पता उन्हें सजा मिल जाए तो लॉयर्स से वो पूछते हैं आप क्या करोगे तो लॉयर डिसाइड करके कहते हैं कि वो भी गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाने को तैयार है और चंपारण के पेजेंट्स की हेल्प करने को तैयार है तो तब गांधी जी कहते हैं बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन ठीक है अगला क्वेश्चन हाउ डिड द डेवलपमेंट दे ऑफ सिंथेटिक इंडिगो एफेक्ट द इंग्लिश एस्टेट ओनर्स तो जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो जब उगता है तो बड़े बड़े जो ब्रिटिश ज़मींदार थे अब उनको सिंथेटिक इंडिगो उगने के बाद जो असली इंडिगो पंद्रह हिस्से में उगाकर जो उन्हें मिला करता था उसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए वो जो है इलीगली मनी एक्सटॉर्ट करते हैं सारे के सारे फार्मर्स से हाउ डिड इंडियन पेजेंट्स रिएक्ट टू द न्यू अग्रीमेंट रिलीज फ्रॉम शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट तो कुछ ने तो अपनी मर्जी से जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड करने के लिए पैसा दिया था बट जिन्होंने नहीं दिया था तो उनसे ये ज़बरदस्ती करवाते हैं एंड लास्ट में जो है पैसा हड़पते हैं ज़बरदस्ती और लास्ट में जो है पैसन को जब पता चलता है कि भाई सिंथेटिक इंडी को बन गया तो वो अपना पैसा वापस मांगते हैं वाइट यू थिंक गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर तो आपको पता है दैट गांधी जी को वो जो है उनके राजेंद्र प्रसाद जी के नौकरों को पता नहीं था कि गांधी जी अनटचेबल है या नहीं है इसलिए वो गांधी जी को पानी नहीं पीने देते हैं वाई दिट गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फर बिफोर गोइंग टू चंपारण तो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मुजफ्फरपुर के लॉयर्स से मिलने के लिए वाई डिट गांधी जी चिडिड द लॉयर्स तो वो बहुत सारी फीस वसूल करते थे इसलिए हाउ डिट गांधी जी विज्ञान हिज मिशन इन चंपारण हाउ फॉर डिट एफर्ट्स प्रूफ वेरी गुड ट्रू तो वो बहुत सारे काम वहाँ पे करते हैं आपको पता होगा सेक्रेटरी ऑफ लैंड लॉर्ड एसोसिएशन जाते हैं वहाँ कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती फिर तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर पे जाते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करते हैं वॉट अकॉर्डिंग टू राजेंद्र प्रसाद वॉट्स अप शॉर्ट ऑफ द कंसल्टेशन लॉयर्स रिगार्डिंग द इनजस्टिस टू शेयर क्रॉपर तो वो सोचते हैं गांधी जी को टोटल स्ट्रेंजर्स और गेट ही वॉज रेडी टू गो टू प्रिजन तो वो राजेंद्र प्रसाद बताते हैं कि गांधी जी तो एक बाहर वाले हैं बट वो जो है प्रिजन में जाने को तैयार हैं हमारे चंपारण के प्रेजेंट्स के लिए तो हम भी जो है इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे हम भी अपने यहाँ के लोगों की मदद करेंगे so, तो विद दिस पोएट एंड पैनकेक के इम्पॉटेंट क्वेश्चन देखते हैं तो हाउ डज अशोका मित्रन डिस्क्राइब द मेकअप रूम ऑफ द जेमेना स्टूडियो तो वो बताते हैं कि मेकअप रूम जो है जेमेना स्टूडियो का वो हेयर कटिंग सैलो जैसा दिखता है जहाँ पर गर्म गर्म लाइटें जल रखी होती हैं जो लाइट्स हैं वो हर एंगल पर लगी हुई हैं और वो कमरे को बहुत गर्म कर देती हैं और जो लोग वहाँ मेकअप करवाते होंगे उन्हें बहुत फायरी मिजरी का सामना करना पड़ता है वॉट डज द ऑफिस बॉय डू इन द जमिनाज स्टूडियो तो ऑफिस बॉय जो है वो आता था वहाँ पर जो है वो क्राउड का मेकअप करता था एक बाल्टी में जो है बहुत सारा पैनकेक पाउडर मिला के उसको लोगों के फेस पर पे वो पेंट करता था बट वो आया था वहाँ एक्टर बनने के लिए स्क्रीन राइटर डायरेक्टर लिरिक राइटर बनने के लिए और वो कुछ नहीं बन पाता है तो इसलिए वो बहुत परेशान होता है सुबुज जो अ चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन से शोका मित्रन प्रूफ करो इसको तो यस जी बहुत ही एक अच्छे आदमी थे वो सब लोगों की हेल्प करते थे एंड जो है एक बहुत ही जो है काइंड इंसान थे वो वाई वॉज लीगल ऑफिसर जो एडवाइजर रेफर टू एज ऑफिसर तो आपको पता है उसने एक एक्ट्रेस का करियर एंड कर दिया तो यू कैन रीड इट ठीक है वॉट डू यू फाइंड स्पेशल अबाउट अशोका मित्रन राइटिंग स्टाइल तो उनका बहुत ब्यूटिफुल राइटिंग स्टाइल है वो लोगों की कमियों को दर्शाते हैं वो भी बहुत ही मजाकिया तौर पर वाई डिड द मैगजीन एनकाउंटर रिंग अ बेल इन राइटर्स माइंड क्योंकि राइटर मैगजीन जो थी एनकाउंटर मैगजीन जो थी उसके राइटर थे स्टीफन स्पेंडर और स्टीफन स्पेंडर ही जब मैंने स्टूडियो आए थे तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं वॉट वर सुबुज लिटरेरी अचीवमेंट तो शुभ जी ने बहुत सारी पोम्स लिखी हैं और एक बहुत फेमस है उनका एक जो लिटरेरी पीस है वो थेलाना मोहनम्बलम एंड उन्होंने क्वाइट से बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मूड एंड मैनर ऑफ़ देवदास को रिक्रिएट करा था नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जयमेना स्टूडियो वॉज इन्फ्लूंस बाय द प्ले स्टेज बाय आर ए तो उन्होंने एम आर ए वालों का जोथम वैल्यू फॉर गटन फैक्टर जैसा अपने यहाँ के सेट रखे थे ठीक है रिएक्शन ऑफ स्टीफन स्पेंडर जे मेना स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री तो भाई वो कहते हैं अब हमारे

हमारे नेक्स्ट चैप्टर इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ हैज इंटरव्यूज बिकेम अ कॉमन प्लेस इन जर्नलिज्म तो इंटरव्यू हमारे को बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आज के ज़माने में अगर हमें लोगों के बारे में जानना हो जिनको हम जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं तो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा जरिया है वाई डिड लूइस केरल हैव हॉर ऑफ द इंटरव्यूज तो उन्हें इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं है इनफैक्ट उन्हें ऑटोग्राफ देना भी पसंद नहीं है इसलिए वो कभी भी, भी इंटरव्यू नहीं देते हैं हाउ डिड लुक एट इंटरव्यूज तो इंटरव्यू तो डिडेड क्लिपिंग को भी पसंद नहीं है उन्हें इमोरल और क्राइम लगता है हाउ डो फाइन

तो पूरा काम करती रहती है धुआं हो रखा होता है तो यानी कि घर अच्छा भी नहीं है उसकी इज़ मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है हु आर द टू गर्ल्स वॉट डू डे टॉक वेल कमिंग होम फ्रॉम स्कूल तो टू गर्ल्स है सोफी और जैन से बहुत अच्छी दोस्त हैं और घर आते हुए स्कूल से वो बात कर रही थी अपने फ्यूचर प्लान्स की सोफी जो है उसको जो है रियलिस्टिक नहीं है मैनेजर बनना है बुटीक खोलना है जैनजी बहुत रियलिस्टिक है वाई डिट सोफी रिगल वेन जियर फादर दैट सी है सी तो सोफी डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा उसे डांटेंगे हु इज जियो ऑफ एन हाउ इज ही डिफरेंट फ्राम सोफी तो जियॉफ सोफ़ी का एल्डर ब्रदर है और वो जो है अप्रेंटिस यानी कि आपको सीख रहा है मैकेनिक सीखा रहा है वो कहाँ पे सिटी में वो भी बहुत दूर दूर तक चल के जाता है तो पैरल में आ सकता है मुकेश के साथ याद रखना सीखने के लिए सिटी तक चल के नहीं जाता तो बहुत दूर जाता है सिटी तक सीखने के लिए जो है मैकेनिक का काम ठीक है जिओव बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट है और सोफ़ी बहुत ज़्यादा आउट है जियो बिल्कुल अपने मन की बात है मन में रखता है सोफ़ी बहुत फ्रेंडली है इम्पेशेंट है ठीक है डिड सोफी रियली मेड डेनिक सी तो नहीं मिली थी गाय सोफी उसकी फैंटेसी थी वो हाउ इज़ द टाइटल गोइंग प्लेज मोस्ट अप्रोप्रिएट तो टाइटल गोइंग प्लेज बहुत अप्रोप्रिएट है क्योंकि जो टीन एजर हमारी सोफी है वो अपने दिमाग में ही अलग अलग जगहों को अलग अलग जगहों को सोचती है रोमांटिसाइज करती है और घूमती है ठीक है चलो अगला चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं थर्ड द नरेटर ऑफ द थर्ड लेवल गॉट लॉस्ट वेन ही डग इन टू आर्ट डोर वे लेडिंग टू द सब्वे वेयर डिड ही कम आउट तो आपको पता है जैसे ही चार्ली सब्वे में खो जाता है तो कहाँ बाहर निकलता है वो बुक निकलता है थर्ड लेवल पे एटीन नाइन्टीज के ज़माने में इमेजिनेशन माइट बी द ओनली ग्रेटेस्ट प्लेन द विद रेफरेंस टू द थर्ड लेवल तो यस yes, चार्ली अपनी इमेजिनेशन से ही अलग अलग जगहों पर घूमता था चार्ली को अपनी इस दुनिया से प्यार नहीं था इसलिए वो अपने दिमाग में नई नई जगह बनाता था ठीक है हाउ डिड द वर्ल्ड हेल्प चार्ली टू कंफर्म हिज डाउट्स तो भाई जैसे ही द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को जाके वो पढ़ते हो उस पर प्रेजेंट क्लीवलैंड की खबर थी तो उसे पता चल जाता है उसने टाइम ट्रैवल करा है वॉट स्ट्रेंज थिंग्स नरेटर सी सीआ द थर्ड लेवल तो चार्ली को क्या दिखता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे वुडन बूथ्स है डिम फ्लेम गैस गैसलाइट है ब्रासबिटॉन्स है ओल्ड टाइप का इंजन वाली ट्रेन है ओल्ड फैशन के कपड़े लोगों ने पहने हुए हैं दैट आप आगे लिख सकते हैं वॉट ड्यू थिंक चार्ली जो है अपने पैसे सारे क्यों निकलवाए थे क्योंकि उसे गेलिसबर्ग गस जाके सेटल होना था हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब गेलिसबर्ग गिलियोस की बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है वहाँ पे सब लोग बहुत मज़े से रहते हैं ठीक है अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है इंपॉर्टेंट दे देख लो तो फर्स्ट डे कवर एक एनविलप होता है जो चार्ली को मिला था डेटेड एटीन 18 जुलाई एटीन का वो जो फर्स्ट डे कवर था पर्टिकुलरली वो उसके दादाजी के एड्रेस पर आया हुआ था वैसे फर्स्ट डे कवर एम होते हैं बट उसमें सैम के लिखा हुआ एड्रेस था जहाँ पे सैम उसे बताता है कि भाई थर्ड लेवल सच्ची में है वाई वॉज चार्ली श्योर देट हज सकेएक्ट्रिस फ्रेंड हैज़ गॉन टू थर्ड लेवल तो सैकेट्रिस फ्रेंड का उसे पक्का होता है कि वो थर्ड लेवल गया है क्योंकि उसके सेकेकट्रिस फ्रेंड ने भी आठ सौ डॉलर एक्सचेंज कराए थे और वहाँ अपना नया बिज़नेस लॉन्च कर लिया था तो क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट होती है जब टाइगर किंग सिर्फ दस दिन के थे तो टाइगर किंग जब जब से दस दिन के थे तो, तो एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि ये बहुत सबसे बड़ा तो वो दस दिन के जब थे तो वो बोलना शुरू कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मेरे था कि एक दस दिन का बच्चा बोल रहा है उसके बाद वो एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मेरी डेथ होगी तो वो होगी कैसे नोइंग टू मच ऑफ योर फ्यूचर इज नॉट अ गुड थिंग तो यस हमें टाइगर किंग पढ़ के समझ में आता है कि अगर फ्यूचर जो है उसके बारे में अगर हमें ज़्यादा पता चलेगा तो इसका हमारे पे बैड इफेक्ट होता है फ्यूचर इज बैड वन वे लिव इन फियर अगर अच्छा फ्यूचर ना पता चले तो बद्दा डर में रहेगा व फ्यूचर इज सपोज टू बी गुड अगर कोई गुड बताया कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है तो एक इंसान लेजी हो सकता है इसलिए कभी भी फ्यूचर को बहुत ज्यादा जानना भी अच्छा नहीं होता हाउ डिड द दीवान साहिब सेव हमसेल्फ फ्रॉम महाराजाज एनसाइटी तो दीवान साहिब आपको याद होगा जो वो टाइगर लेकर आते हैं जू से वो आपको याद रखना है हाउ डज दट ऑथर सटायराइज द अप्रिंग एंड एजुकेशन ऑफ क्राउंड पेन्ट्स तो वो कैसे बताते हैं कि भाई वो इंग्लिश इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं तो वह सटाइज करे कि देखो क्या तरीका है एक इंडियन प्रिंस होने के नाते इंडियन कल्चर के में पल बढ़ने की जगह वो इंग्लिश कल्चर में बड़े होते हैं पॉइंट आउट द आयरन इन द स्टेटमेंट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज से वो कहते हैं कि टाइगर किलिंग पे बैन लगा रहा हूं मैं बट कोई बैन नहीं लगाता वो खुद सारे टाइगर मारने वाले दैट इज मैटर ऑफ एक्सट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट क्यों है क्योंकि जैसे ही वो बॉर्न हुए थे उन्होंने बोला गया था कि वो टाइगर उन्हें मार सकते और उन्हें मारता भी एक लकड़ी का टाइगर है हाउ द हंड्रेड टाइगर टेक इट्स फाइनल रिवेंज तो हंड्रेड टाइगर अपना रिवेंज लेता है जब जो है आ, हाँ जो है वो अपने बेटे को ए, एक गिफ्ट करते हैं टाइगर लकड़ी का और उसी का एक तिनका चुप जाता है और वो मर जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के तो वॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम चेक कर लू हो रहा है हो रहा है hmm. आधे घंटे ही हुए हैं अभी तो 30 मिनट ही हुए हैं चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम हाई स्कूल के बच्चों को लेके जाता था एंटार्टिका जिससे वो वहाँ जाके हमारे प्लानट के बारे में जान पाए और जब वो फ्यूचर में बड़े हो गए पॉलिसी मेकर्स बनेंगे तो जो है प्लानिट के लिए कुछ अच्छे डिसीजन ले पाएंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट हम रिड्यूस कर पाए स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम प्रिपेयर्स ग्लोबल सिटीजन्स तो येस डेफिनेटली स्टूडेंट ऑफ आइस प्रोग्राम में जो है हाई स्कूल के बच्चों को वहाँ ले जाया जाता है और जब आपके जो है जैसे बच्चे जो है जब सीखेंगे कि अर्थ बचाना कितना इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आप किसी बड़ी पोस्ट पर बैठोगे तो वो ऑब्वियसली इट हेल्पफुल एंटार्टिका इज अनलाइकली एनी अदर प्लेस ऑन अर्थ जस्टिफाई द स्टेटमेंट तो ये एंटार्टिका प्लेस जो है वो अर्थ पे सबसे अलग है क्योंकि वहां पर कोई ह्यूमन जाके नहीं रहे हैं वो प्रिस्टाइन प्योर और ओरिजिनल फॉर्म में है वाई डज द ऑथर से दैट विजिट टू एंटार्टिका इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री क्योंकि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था वो याद रखना ठीक है डिस्क्राइब इन ब्रीफ राइटर्स जर्नी टू एंटार्टिका तो वो थर्टीन पॉइंट जीरो नाइन डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर मद्रास से चलती है रशियन वैसे लगा में बहुत सारे टाइम जोन चेक पॉइंट बॉडीज़ को क्रॉस करके वो वहाँ पर पहुंच जाती हैं द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्टिका हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल अस तो येस वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है जियोलॉजिकल हिस्ट्री वो ट्रैप्ड है एंटार्टिका की जो है बर्फ के नीचे इसलिए हम उसके बारे में जान सकते हैं चलो आगे देखते हैं हम टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड बिग थिंग्स विल टेक इन प्लेस तो फाइटो प्लैक्टन का एग्जाम्पल याद रखना काइज इसके अंदर आप कंफ्यूज मत हो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ डरो मत इन क्वेश्चन को देखिए रिविजन आपको सब आते हैं वॉट आर द इंडिकेशन्स फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में तो भाई हमारा ये छोड़ो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आगे पढ़ते अब हम एनिमी के क्वेश्चन हु वॉज डॉक्टर सदाओ तो डॉक्टर सदाओ एक जैपनी सर्जन थे जिनका घर जो है बीच के सामने था एंड वो एक बहुत बड़े सर्जन के साथ में एक बहुत बड़े जो है साइंटिस्ट भी बन गए थे क्योंकि उन्होंने जो है एक डिस्कवरी करी थी कि वोट्स कैसे हम पूरे तरीके से साफ कर सकते हैं वॉट वर्स द सर्वेंट सुपरस्टिशन तो सर्वेंट कहता है वही कि बुलेट ने इसको मारा सीने मारा रॉक ने मारा तो आपसे वो बदला लेगा ठीक है हाउ एंड वाई डिड सदाओ स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द इंजर्ड मैन ऑन द हक तो वो क्या करते हैं वो जो सी मॉस थी वो उसको जब वो

इस चैप्टर की ये देखो आप यहां पे है हाउ डिड सर्वेन रिएक्ट टू द डिसीजन ऑफ डॉक्टर सदाओ एंड वाइफ टू कीप द दुंडेड मैन तो किसी को भी वो पसंद में नहीं आता है ना ही यूमी को ना ही उनकी कुक को, को ना ही जो है उनके कार्टनर को वाई डिड डॉक्टर सदाव नॉट सेंट विद द जैपनीज तो जनरल को उनकी जरूरत थी इसलिए नहीं भेजते हैं याद है ना वाई डिड सदाओ फील दैट जनरल वॉज इन द पाम ऑफ हिज हैंड क्योंकि जनरल को जरूरत थी डॉक्टर सदाओ के ऑपरेशन के लिए इसलिए उन्हें लगता है कि वो उनके पाम ऑफ हैंड यानी कि उनकी मुट्ठी में है वो ठीक है आगे पढ़ते हैं हाउ डज जनरल ऑफर टू हेल्प सदाओ तो वो उसको कहते हैं जनरल कि मैं तुम्हारे यहाँ कातल भिजा दूंगा असैसेंस अब अग, अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं उसका so क्वेश्चन the... है हु इज मिस्टर लैम हाउ डज डेरी गेट इन टू इज गार्डन तो मिस्टर लैम एक ओल्ड आदमी है जिनका बड़ा सा घर है डेरी फोर्टीन ईयर ओल्ड बॉल है बॉय है जिसकी लो सेल्फ एस्टीम है अकेला रहना चाहता है वो क्योंकि उसका हाफ फेस बंट है और वो मिस्टर लैम के गार्डन में ये सोच के जाता है कि भाई वहाँ कोई भी नहीं होगा कमेंट ऑन द मॉरल वैल्यू ऑफ़ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट तो वो हमें बताता है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल होते हैं ये मॉरल वैल्यू ये देता है कि उनको जो है ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ पे फोकस करना चाहिए और सोसाइटी को जैसे वो है एक्सेप्ट करना चाहिए उनको इन डिफरेंट ट्रीट नहीं करना चाहिए वाई डिड डेरी अवॉइड पीपल क्योंकि जो डेरी का फेस था वो हाफ बर्न था तो इसलिए लोग उसको देख जो है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्ट करते थे तो इसलिए डेरी ने अब खुद को जो है शट कर लिया था अपने आप को बंद कर लिया था डिस्क्राइब द थीम ऑफ द ऑन द फेस ऑफ इट तो ऑन द फेस ऑफ इट की थीम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लोनलीनेस कितना सफ़र करता है इंसान ये है इसकी थीम आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल पीपल और अफ्रेड ऑफ मी ये डेरी कहता है जब वो बताता है कि एसिड जो मेरा फेस जब बंद हो जा बर्न हुआ उसकी वजह से कितना वो परेशान है कैसे एक औरत ने कहा था कि ये तो वो शक्ल है जिसको उसकी माँ ही प्यार करे तो इसलिए वो कहता है कि मैं खुद भी जो है Uh, मैं खुद भी अपनी चेहरे को शक जो है शीशे में देख के डर जाता हूँ लोग भी डरते हैं पीपल आर इनसेंसिटिव टू दोज दो हुआ डिसेबिलिटीज़ क्या आप मानते हो तो ये हमने देखा कि कैसे डेरी के लिए लोगों ने कमेंट्स करे और इवेंट जो है मिस्टर लैम को भी उनके गली के लोग जो थे वो मिस्टर लैम मिस्टर लैम को लिमी लैम बुलाते थे उनके गली के बच्चे वाई डज लैम से सो यू आर नॉट लॉस्ट स्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट तो मिस्टर लैम और डेरी की मीटिंग टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि वो उसका जो जो एक एटीट्यूड था दुनिया को देखने का वो बदल देते हैं बिल्कुल ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं ये है हाउ वज इतक सा डिफरेंट फ्रॉम अदर नेटिव अमेरिकन गर्ल तो ग्स बाकी जितनी भी नेटिव अमेरिकन गर्ल थी वो जो है उन्होंने सबमिट कर दिया था वो टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहन रही थी सिंगल हेयर उन्होंने रखे हुए थे बट जदक सा वो सब नहीं मानना चाहती थी ठीक है वो प्रोटेस्ट करती हैं एंड देन गिव अप करती हैं वट डज जिता सा रिमेंबर्स अबाउट द फर्स्ट डे इन द स्कूल तो वो जो पूरा लाउड मेटेलिक बेल बज रही थी जो दूतों की आवाज़ें थी चलने की और जो वो जो फॉर्मूला था ईटिंग करने वाला वो उन्हें याद आता है वट जुडिवेंट दुडिवन बताते हैं कि उनके हेयर्स को कट कर दिया जाएगा वॉट आर तो भी मॉडस्ट नहीं लगता अच्छा नहीं लगता है कि उनके समाज में जो है लॉन्ग हेयर रखना एक बहुत ही ज्यादा प्राइड की बात होती है वो लोग अपने हेयर को कट करते हैं जो कभी जो है uh, जीज़ जीज़ शोक रहे। मना रहे हो किसी के डेथ का या फिर जो कावर्ड यानी कि कायर लोग होते हैं तो इसलिए जिता सा बहुत लड़ती हैं फ़ाइट करती हैं छुप जाती हैं कमरे में जिससे उनके बाल को कट ना करा जाए बट फिर भी वो पकड़ी जाती हैं ठीक है अब पढ़ते हैं हम अपने बामा वाले जो चैप्टर है उसकी कहानी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वट मेड बामा लाफ एट द साइट ऑफ एल्डरली मैन तो बामा जब उनको देखती हैं तो वो हैरान हो जाती है कि कैसे उन अंकल ने वो पार्सल को पकड़ा उसकी स्ट्रिंग से और इसलिए वो जो है हंसती हैं ठीक है वॉट एडवाइस डिड अन्ना गिव टू बामा तो अन्ना उन्हें बताते हैं कि बेटा ये हमारी कम्युनिटी के लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं करा जाते तो इफ़ यू वॉन्ट कि आपकी रिस्पेक्ट सब करें तो अच्छे से पढ़ाई करो वाई मामा टुक थर्टी मिनट्स तो आपको पता है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखती थी स्ट्रीट पर जैसे मार्केट हो गया स्नेक चारमर हो गया लेमोर्स केज ये सब चीज़ें उनके अटेंशन कॉट करती थी ठीक है हाउ डिड मामा रियलाइज दैट एजुकेशन इज द बेस्ट एंटीडोट तो जब उनके भैया कहते हैं और वो पढ़ाई करती है तो वो फर्स्ट आते हैं तो उनके बहुत सारे दोस्त बनते हैं और तब उनको ये समझ में आ जाता है तो विद दिस देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया है अब जो है विद दिस आप अब रिलैक्स करके जो है अपना जो है एक बारी जो है आपने सारे क्वेश्चन भी देख लिए चलो सुबह एक रिविजन भी हो गया चैप्टर भी रिवाइज हो गया इससे काफ़ी हद तक आपका आपने वर्डिंग्स देख ली क्या क्या आप यूज़ कर सकते हो समरी मैंने बता दिया करेक्टर स्केचेस भी विस्तार से कंप्लीट है नो बेस्ट ऑफ लक एंड नाउ गिव योर एग्जाम विथ कॉन्फिडेंस एंड मैं मिलूंगी आपसे कल और आगे आने वाले चैप्टर्स से ओके तो अब मैं मिलूंगी आपसे आपके आगे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में एंड आपको जब भी टाइम मिले और आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो सी का न्यू चैनल जो मैंने स्टार्ट करा है सी यू टी बायर दीदी तो उसको जाके सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देना आपकी सीवी के प्रोशन वहां पे होगी ठीक है बेस्ट ऑफ लक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में